हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है विलेन की मोललता। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलेय में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अगर केजी में द्रव्यमान नहीं है, ग्राम में है, तो उसमें 1000 से गुणा हो जाएगी। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 300 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 500 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो इस विलयन की मोललता क्या होगी? तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल होता है। इसका अणुभार C का 12 है, H का 1, O का 16 होता है। तो इन सबको जोड़ देने पे अणुभार इसका 60 आता है। मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार, यानी 300 मात्रा दे रखी है और 60 से भाग करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। सूत्र लगाएंगे, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 से करें भाग, तो कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर 10 आ जाएगा। धन्यवाद।